मेरा नाम है मुकेश, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेंडिंग यार। आज से कुछ दिन पहले Xiaomi ने अपना Xiaomi Mi 11i और Mi 11i हाइपर चार्जिंग को लॉन्च किया था, जहां पे इन्होंने बहुत सारा हाइप मचाया था। 120 वॉट चार्ज, 15 मिनट हमारा फोन फुल चार्ज हो जाएगा। बट अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि किस वजह से बहुत लोग इस फोन को लेना नहीं पसंद कर रहे, क्योंकि कुछ हुआ ऐसा था जब ये फोन को लॉन्च कर रहे थे उस टाइम पे, जो लाइव इवेंट पे जो भी थे उन्होंने जो कमेंट कर रहे थे कि ये इस फोन का प्राइस 19,000, 20,000 या 18,000 के आसपास होगा। बट जैसे ही इन्होंने फोन का प्राइस रिवील किया, वैसे ही बहुत लोगों का मन टूट गया और बहुत लोग इस फोन को लेना नहीं चाहते। वो किस कारण से लेना नहीं चाहते, मैं आपको सही डिटेल में बताऊंगा क्या हुआ था लोगों को ये फोन अब नहीं लेना है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्प्ले की, क्योंकि मैं आपको दोनों ही फोन में कंपैरिजन बताऊंगा कि दोनों ही फोन में क्या डिफरेंस है और किस वजह से लोग ये फोन को भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि जिसकी प्राइस है बहुत ज्यादा ओवर प्राइस हो चुकी है। क्योंकि जो यही फोन चाइना में जब इन्होंने लॉन्च किया था Redmi Note 10 के नाम से, 15-16 हजार के बजट में सेम फोन आ रहा था, बट इन्होंने इंडिया में जो फोन को लाया है इन्होंने तो हमारे पैसे को लूट ही लिया है देखा जाए तो। ये डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो को अंत तक जरूर देख। करें डिस्प्ले की तो 6.6 इंचेस का हमको दोनों ही फोन के अंदर एक एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात करें तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश भी हम दोनों को देखने मिल जाता है इस फोन के अंदर। इन दोनों में ही सेम है, डिस्प्ले सेम है, स्क्रीन रिफ्रेश रेट सेम है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोटेक्शन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है डिस्प्ले को लेकर। बात करें प्रोसेसर की, इन दोनों में ही हमको MediaTek का Dimensity 920 चिपसेट देखने मिलता है, जो कि अभी लेटेस्टली इसको लॉन्च किया गया, काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। बात करें रैम और स्टोरेज की तो हमको दोनों ही फोन के अंदर 6GB रैम और 8GB रैम देखने मिलता है, जो कि LPDDR4X रैम के साथ में आता है। और UFS की बात करें तो UFS 3.1 हमको इस फोन के अंदर देखने मिलता है। UFS के मामले में फोन काफी ज्यादा अच्छा है। तो बात करें कैमराज की तो हमको दोनों ही फोन के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिलता है, जिसका रियर कैमरा है 108 मेगापिक्सल का हमको कैमरा देखने मिलता है, जो सेकंड कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, और जो थर्ड कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, यानी कि दोनों में ही बोथ आर सेम। तो बात करें सेल्फी कैमरा की तो हमको दोनों ही फोन के अंदर 16 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर तो दोनों के अंदर ही लेटेस्टली एंड्रॉइड 11 का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है, और जो इसका कस्टम UI है वो है MIUI 12 अभी आने वाला है। बात करें बैटरी को लेकर, जो हमारा नॉर्मल वाला वेरिएंट है 67 वॉट वाला चार्जर, उसमें जो हमको बैटरी देखने मिलती है वो है 5160 mAh की बैटरी, जो हमारा फोन है 0-50% 13 मिनट में चार्ज होगा, जो कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। जो आपकी बैटरी हो सिंगल बैटरी है और ये डुअल स्पिरिट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ये मेरे पास Mi 10i है, इसमें डुअल स्पिरिट चार्जिंग का सपोर्ट है, फोन काफी ज्यादा फटाफट चार्ज हो जाता है, जो बैटरी ड्रेन होती है धीरे धीरे होती है, ये थोड़ा अच्छा है। बट जो इसका हाइपर चार्जिंग वाला जो वेरियंट है, जिसमें हमको बैटरी सिर्फ 4500 mAh की मिलती है, वहां पे हमको 120 वॉट का चार्जर मिलता है, जो हमारा फोन 0-100 सिर्फ 15 मिनट में चार्ज करता है। बट यहाँ पे जो गेम घूमता है वो इधर है, क्योंकि इसमें आपको डुअल बैटरी देखने मिलती है 2500 mAh की दो बैटरी, यानी कि अगर आपका बैटरी अगर स्पीड में चार्ज हो रहा है तो आपकी दो बैटरी चार्ज हो रही है, और जो आपका बैटरी का लेवल गिरेगा वो भी बहुत फटाफट गिरेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत पहले से होता आ रहा है, यहाँ पे जितने भी डुअल बैटरी वाले फोन थे होते तो फटाफट बहुत स्पीड में चार्ज है और उसी स्पीड में उनकी चार्जिंग भी उतरती है। अभी देखने वाली बात है यहाँ पे Xiaomi क्या करता है कि इसकी बैटरी फटाफट ड्रेन ना हो। पर अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप कोई भी फोन ले रहे हो, जैसे कि ये मेरे पास है, अगर कोई भी आप लॉन्ग टाइम के लिए फोन ले रहे हो तो कोई ऐसा फोन लो जो चार्जिंग तो धीरे धीरे हो चलेगा, लेकिन उसका जो बैटरी ड्रेन हो वो भी धीरे धीरे होना चाहिए। क्योंकि अगर फास्ट चार्जर वाला, अगर इतना ही फास्ट चार्जर वाला अगर आप फोन लेते हो तो आपकी बैटरी तो बहुत फटाफट चार्ज होगी और उतने ही स्पीड में उतरेगी भी। होता क्या है, जो हमारी बैटरी का जो लाइफ होता है वो 3 ईयर्स का होता है। जैसे ये मेरा फोन है, इसके अंदर 3 साल का इसमें बैटरी का लाइफ है। मैं इसको जितना चार्ज करूंगा, इसकी साइकिल्स होती है 3 साल तक का इसका साइकिल्स होता है, मैं इसको जितना चार्ज करूंगा, जितनी बार निकालूंगा उतना इसकी जो लाइफ है वो कम होती जाएगी। तो अगर आप जितने ही स्पीड में अपने फोन को चार्ज करोगे उतने ही स्पीड में अगर उतरेगी तो आपके बैटरी की लाइफ कितनी होगी आप खुद समझ सकते हो। अगर आपको थोड़ा भी मेरे बोलने पर अगर समझ में आएगा कि आपको डुअल बैटरी वाला फोन नहीं लेना है तो आप समझ के ले सकते हो कि आप ये नहीं लेना है। क्योंकि देखो, अगर आप डुअल बैटरी वाला अगर फोन लेते हो तो आपके बैटरी की जो बैटरी लाइफ है वो ज्यादा चलने वाली है नहीं, और आपको बहुत जल्दी आपका बैटरी भी चेंज करना होगा। इसलिए अगर आपको फोन लेना है तो आप 67 वॉट वाला लो, क्योंकि वहां पे सिंगल बैटरी मिलती है
और उसमें डुअल स्पिरिट चार्जिंग का सपोर्ट है, तो ये अच्छा है, आप वो ले सकते हो। अपना पैसा बर्बाद ना करो 120 वॉट चार्जर को देखकर। बात करें यहाँ पे सिम की, तो हमको डुअल नैनो प्लस नैनो देखने मिल जाता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, वापस से वही, कम से कम हमको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देना चाहिए था, हाइब्रिड सिम स्लॉट हमको देखने मिलता है। ब्लूटूथ 5.2 दोनों ही फोन के अंदर सेम है, वाईफाई 6 का भी सपोर्ट दोनों ही फोन के अंदर मिलता है, ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। और NFC हमको दोनों में ही नहीं मिलता, मिलता तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता। स्पीकर की बात करें तो हमको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने मिलता है दोनों ही फोन के अंदर, जो कि ये भी काफी ज्यादा अच्छा है। 3.5 mm वाला हेडफोन जैक देखने मिलता है और फिंगरप्रिंट हमको साइड माउंटेड मिलता है। ऐसा क्यों, हमको एमलेट डिस्प्ले अगर दे रहे हो तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दो ना, इतने ज्यादा अगर प्राइस ले रहे हो तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दो, बट नहीं, इनको साइड में ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देना है। ये चीज के लिए आपको लिखना पड़ेगा शाओमी बायकॉट, ये बहुत बेकार है, इनको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट नहीं देना चाहिए, आप इतना पैसा अगर हमसे ले रहे हो तो। बात करें दोनों ही फोन के प्राइस को लेकर, जो इसका 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज जो वेरियंट है नॉर्मल वाले फोन की बात करो वो है 26,999 का, यानी कि 27,000 के आसपास आपको ये फोन देखने मिलता है, और जिसका 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज है वो है 25,999 का, यानी कि 26,000 के आसपास आता है। और जिसका हाइपर चार्जिंग वाला जो वेरियंट है वो है 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज, आपको 28,999 का मिलता है, यानी कि 29,000 का फोन आपको देखने के लिए मिलता है। और जिसका 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज है वो 26,999 का, यानी कि 27,000 का ये फोन देखने मिलता है। अगर आप मेरी मानो तो आप दोनों ही फोन ना लो तो ही बेहतर है, क्योंकि सेम यही फोन चाइना में इन्होंने 15 से 16 हजार के बजट में लॉन्च किया है। एग्जाम्पल बताता हूँ, मेरे हाथ में Mi 10 है, सेम फोन चाइना में इन्होंने Redmi Note 9 के नाम से लॉन्च किया था, सॉरी Redmi Note 9 Pro के नाम से लॉन्च किया था, उसकी जो प्राइस थी उधर पे कुछ 18-19 हजार के आसपास थी, और यही फोन को इन्होंने चाइना में, सॉरी इंडिया में 22,000 के आसपास लॉन्च किया था। तो सेम फोन यहाँ पे शाओमी के नाम से आया और वहाँ पे रेडमी के नाम से आया, और यहाँ पे जो भी रेडमी के नाम से जो फोन आने वाला है वो तो बात की बात है, बट जो रेडमी का चाइना वाला वेरियंट था वो यहाँ पे शाओमी के नाम से इन्होंने लेकर आ गए, क्योंकि शाओमी के जो वेरियंट होते हैं थोड़े अलग स्पेसिफिकेशन के साथ में थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं कंपेयर टू रेडमी सीरीज, और उन्होंने सेम रेडमी सीरीज को चाइना का माल हमको यहाँ पे बेच दिया अभी और ओवर प्राइस करके, आपको ये नहीं लेना है, क्योंकि अभी रेडमी का Note 10 सीरीज, सॉरी रेडमी का Note 12 सीरीज बहुत जल्दी आने वाला है, इसी मंथ में वो भी लॉन्च हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, ये फोन को आप ना ही लो तो ही बेहतर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।